कैसा रे कूचू? रुक जा वहीं और मेरे सवाल का जवाब दे। वो लौंडिया जो तूने घर में रखी हुई है, मैंने उसे लाने के लिए अपने आदमी को भेजा था, तूने उसे मार पीट कर क्यों भगा दिया? उस वक्त दाढ़ी मुंडवा रहा था क्या? नहीं, जरूरत से ज्यादा दारू पी रखी होंगी ना। हाँ, मुझे मालूम है। कुछ सही कहता, मैं उसे यहाँ ले आऊं। इसमें पूछना क्या है, साथ लेके आना था। ये ले 5,000 रुपया और ले आओ उसे। ये तो कम है। तो ये ले पूरे 10,000। अब ले आ। ये रहे 10,001। तुम एक काम करो, अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। क्या बोला रे? अपनी बीवी को तेरे पास भेज दूं? ठीक इसी तरह मुझे भी गुस्सा आया था, इसलिए कि वो मेरी बीवी है। याद रख नीकू, फिर कभी तूने मेरे घर के अंदर झांकने की कोशिश की तो मैं अपने दरवाजे पर नींबू मिर्ची की जगह तेरी मुंडी काट कर लटका दूंगा। तुझे बताना चाहिए था ना कि उसके घर में कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी है। खैर छोड़ो इन बातों को, काम की बात करें। एक मर्डर करोगे? किसका? कामेश्वरी बाई का। ये वही कामेश्वरी बाई है जो किसी भी कीमत पर तुम्हारी बीवी को बर्बाद कर देना चाहती है। तो फिर एक बार क्या, वो जितनी बार जन्म लेगी उतनी बार उसे मारने को तैयार हूं। ये उसकी कीमत है। जवाब नहीं तुम्हारा, बादशाह हो बादशाह। कहां से लाए ये रुपए? ये नेगू अगर मुझे 10,000 रुपए नहीं भी देता तो भी मैं इस कामेश्वरी को चीर फाड़ करके चौराहे पर सूखने के लिए रख देता। ये डायन वही है तेरी दुश्मन, जिसने तेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे 5,000 रुपए भिजवाए थे। ये तो अच्छा किया उसने, वरना तुम कहां से मिलते? अच्छा ये बताओ, वो जो सामने वाले घर में रहती है उसे क्या कहकर पुकारते हो? टेलर की जोरू। और जो मंदिर के बगल में रहती है उसे? वो पंडितायन। और जो उसके बगल में रहती है वो पोस्टमैन की जोरू। जानते हो वो लोग मुझे क्या कहकर पुकारते हैं? गुंडे की चोरू। किस फड़वे की चोरू ने तुम्हें ये कहा? उसके मुंह में लाठी ठोस कर उसके खोपड़ी से निकाल दूंगा। मेरे होते तुम्हें गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मैंने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मैंने कहा मेरा पति बुरा काम करता है तो क्या हुआ? अरे एक ही झटके में 5,000 कमा लेता है, चाहे तो 10,000 भी कमा सकता है। फिर जानते हो वो क्या बोली? वो बोली मेरा पति अगर कम कमाता है तो क्या हुआ, मगर मेहनत करके कमाता है। और कह रही थी मेहनत की थोड़ी सी कमाई में भी बड़ा आनंद आता है। दीपक, मेहनत की कमाई में ऐसी क्या खास बात है जो वो इतना बोले जा रही थी? क्या मेहनत की रोटी में अलग खुशबू होती है? और अगर ऐसा है तो क्यों ना हम भी उन्हीं की तरह कमा कर देखें? अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर से यही काम करने लगना। फिर मैं हर सुबह तुम्हें विदा करके ये सोच सोच कर मरती रहूंगी कि पता नहीं तुम घर वापस जिंदा लौटोगे या नहीं। और जब शाम को तुम घर वापस लौट आओगे तो मैं जी पड़ूंगी। रोज जीने और मरने में तकलीफ तो बहुत होगी, मगर पैसे तो बहुत मिलेंगे ना। मैंने फालतू में ही तुम्हें परेशान कर दिया। चलो हाथ मुंह धोलो।
देखो, वहाँ कामेश्वरी भाई पागल हवा की तरह डंडनाटी फिर रही है और ये मजे में यहाँ हथौड़ा चला रहा है। ये सारे पैसे इसी दुकान में लगा दिए क्या? वीसीआर ए आओ हमारे साथ। ये लो पूरे 10,000। ये क्या? देखो तुम्हें और रुपए चाहिए तो ले लो, लेकिन इस तरह अचानक तुम्हारा बदल जाना हमें अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें बदल जाना ही था तो सरकार को पहले नोटिस देना चाहिए था कि भाई मैं इस तारीख से बदल रहा हूं। किसी को भी मालूम नहीं होता कि वो कब जन्म लेगा और कब मरेगा। ए! तुमने हमारी लाइन को तवायफ का कोठा समझ रखा है क्या? कि जब चाहे छोड़ दिया, जब चाहे किसी के साथ घर बसा लिया। देखो तुमने जितने अपराध किए हैं उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है, अगर वो हम पुलिस में बता दें तो जेल में भर दिए जाओगे। वहां भी ये बदन टूटेगा नहीं, क्योंकि गालियां लात और चूते खाकर ये बदन मजबूत बना है। अपनी सोचो नेगू, अगर मैंने तुम लोगों के बारे में बता दिया तो काजू बादाम और किशमिश से बनाया हुआ यह बदन भुग्गे की तरह पिचक जाएगा। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी को पूरा भी करके दिखा दूंगा। जयकाल बहुत ही कमीना और दोगला आदमी है, अगर कोई उसके चुटकी भी ले ले तो वो उसकी गर्दन उतार लेता है। फिर तुमने तो खुल्लम खुल्ला उसके साथ दुश्मनी मोल ले ली। अगर तुम और जयकाल शेर हो तो मैं पौवा हूं, अगर मैं तुम्हारी तरफ आ गई तो तुम सवा शेर हो जाओगे। वो कैसे? मैं तुम्हें जयकाल के खिलाफ ऐसे सबूत दूंगी जिनके बल पर तुम इसे सरेआम नंगा कर सकते हो, फिर इसे कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। वादा? वादा। अरे भूख लगे तो खाना खा, भूख लगे तो। अरे ज्योति खाना तैयार हो गया कि नहीं? बहुत भूख लगी है। हाँ खाना भी तैयार है और बीवी भी तैयार है। अभी तो मुझे सिर्फ खाना चाहिए। ये लो खाना। ये क्या इंसानों का खाना है? दाल ऐसी बनाई जाती है, ये खट्टा खट्टा क्यों लग रहा है? इमली मिला दी होगी और नमक तो ऐसा लगता है दोनों हाथों से डाला, एकदम जहर बना दिया तुमने। मगर मैंने तो उतना ही डाला है जितना हर रोज डालती हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और ये चावल तो कल के होंगे, महक रहे, अभी बनाए हैं। अरे चुप रहो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, तुम ही खा लो तुम ही। अगर तुमने एक भी दाना छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाया नहीं जाए तो मुंह में ठूस लो, लेकिन जब तक तुम पूरा खाना खत्म नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो खाना शुरू करो। बचपन में मेरी मां मर गई थी ना, इसलिए किसी ने घर गृहस्थी चौका बर्तन के बारे में सिखाया ही नहीं। पहली बार खाना
मैंने तुम्हारे लिए दिवाली पर बनाया था और अब यहां बना रही हूं। जरूर मुझसे अच्छा नहीं बना होगा। तुम सही कह रहे हो। मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना तो ना मुझसे खाया जाएगा और ना जिया जाएगा। नहीं ज्योति नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। चावल इतने कम थे उसमें चाहे तुम्हारा पेट भरता या मेरा, और तुमने सारे चावल मेरे थाली में रख दिए। अगर मैं खा लेता तो तुम भूखी रह जाती ना, और तुम्हें खाने की ज्यादा जरूरत है, तुम्हारे पेट में तो बच्चा है ना। ऐसी बात थी तो बोले क्यों नहीं, दोनों आधा आधा खा लेते। मैं चाहता था तुम पूरा खाना खा लो, इसलिए सब ड्रामा करना पड़ा। भांजे जब अंदर गया तो क्रांति थी, लेकिन अब शांति है। सच मामा, ऐसा मजा आया लगा जैसे एक ही बॉल में सेंचुरी मार दी हो। ठका ठकू। अरे रे, तू कहाँ घुसी जा रही है, बड़ी बेशर्म हो गई है तू। क्यों, क्या हुआ माटी मिले, क्यों हल्ला फाड़ रहा है? अरे मामा, पहले तो मर्द यहाँ वहाँ कहीं भी घुस जाते थे, लेकिन इस औरत को देखो कितनी बेशरम है, मर्दों के बाथरूम में घुस रही है। देखो ना, अरे आंख के अंधो, ये मर्दों का नहीं औरतों का बाथरूम है। बेशरम मैं नहीं, मारो। अरे मुझे क्यों मार रही हो, मैं भी हर नया हूँ, मुझे क्या मालूम कहाँ बॉल रखते हैं कहाँ मल्ला। ये सच बोल रहा है। ए दादा, ए चंपा, ए दोनों की माँ, जल्दी आओ, इन दोनों की मरम्मत करो। ये जब से छठा महीना शुरू हुआ है हाथ तक लगाने नहीं देती, दूसरे खाट पर सोने को बोलती है। मैं क्या करूं, घर में खाने को नहीं मिलता, बाहर जाकर कुछ खा लूं इसके लिए दिल नहीं मानता। ये दिल भी तो साला शराफत की पेंदी में घुस गया है, मगर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या बकबक कर रहे हो? हा? कुछ नहीं, मैं एक महीने से देख रही हूँ, शाम होते ही तुम्हारा रोना शुरू हो जाता है। और कर भी क्या सकता हूँ, आकर थोड़ा सा आम का अचार खा लो। देखो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अभी तो तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। अरे मेरी शर्ट का बटन टूट गया और तुम्हारा इस तरह ध्यान ही नहीं जाता। बस इतनी सी बात पे परेशान हो रहे हो, शर्ट उतारो मैं बटन सी देती हूँ। मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। ठीक है मत उतारो। यार इतनी दूर क्यों बैठी हो, थोड़ा पास आओ ना। नहीं, इतनी दूर बैठकर सीने के लिए मैंने बटन तोड़ा था। क्या बटन तुमने खुद ही तोड़कर फेंक दिया? और क्या, ताकि तुम मेरे और करीब आ सको। अगर ऐसी बात थी तो ये बटन तोड़ दिया होता, मुझे और करीब आना पड़ता। अरे इसमें कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा, ये लो इसे भी तोड़ दिया। जब तुम ऐसी शरारत करते हो ना, मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। ज्योति अरे रजनी आओ आओ। और चंदा तुम कैसी हो? अच्छी हो, कहो कैसे आना हुआ? ज्योति कल मेरे बच्चे का नामकरण है, तुम जरूर आना। हाँ आप भी आइएगा भाई साहब। मैं? हाँ अपनी पत्नी के साथ आइएगा। पानी भरकर लाने में बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर ले। अरे शादी से पानी का क्या रिश्ता? अरे शादी कर लेगी तो पति महोदय पानी भर दिया करेंगे। अरे अभी पति नहीं तो मुझे बोलो, मैं पानी भर के भी ला दूंगा और पिला भी दूंगा। ये पिल्ला आ गया मरने, ये मर जाए तो सबको शांति मिल जाए। याद रखना अगर कल आप लोग नहीं आए, जब आपके बच्चे का नामकरण होगा तब हम भी नहीं आएंगे। हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। चलो आना जरूर। अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब जो लोग अभी आए थे, कल तक मुझे गालियां देते थे, मेरी मौत की दुआएं मांगते थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से इज्जत से अपने घर बुलाने आए। इतना सम्मान, इतना आदर मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तुमने मुझे नई जिंदगी का वरदान दे दिया।
मेरी तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। ज्योति, क्या हुआ ज्योति? जल्दी से गाड़ी ला, अस्पताल जाना। हॉस्पिटल? मगर ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, लेकिन तुम अकेली? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ तो। अच्छा तुम लेटो, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ ज्योति। मैं, अरे ऑटो, रुको रुको। क्या है? हॉस्पिटल जाना, मैं अभी अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ। ओ भाई, ये रिक्शा अस्पताल नहीं जाता। ऐसा मत बोलो यार, इस पर टैक्सी ऑटो कहाँ मिलेगा? अस्पताल जाने का एक आसान सा रास्ता बताऊँ? हाँ। किसी ट्रक के नीचे आ जाओ, लोग अपने आप अस्पताल पहुँचा देंगे। यार मेरे चेहरे पे तो अभी दाढ़ी भी नहीं है, तू रो क्यों रहा है? अरे चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, वरना तेरे डैडी आ जाएंगे। एक जमाने में बहुत बड़े गुंडे थे वो, उठा ले जाएंगे तुझे। मैं अभी आया। कौन है? मैं हूँ। क्या कर रहे हो? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ। क्या काम? हो जाने पर दिखा दूंगा, इससे पहले यहाँ मत आना। ठीक है, अब तुम आ सकती हो। अब बताओ क्या कर रहे थे? पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा। ये क्या पहना दिया इसे? एक तो यह काला धागा जो मेरे बेटे को बुरी नजर से बचाएगा, और यह है इज्जत का ढक्कन। इसका फायदा यह है कि हवा भी जाती रहेगी और पर्दा भी रहेगा। मर्द बच्चों को इस पर्दे की जरूरत नहीं होती। अच्छा तो एक काम करो, इसे अपने पास रख लो, अपने आने वाली बच्ची के लिए। आने वाली बच्ची का भी ख्याल है, मगर ऐसा कभी हुआ कि तुम मेरे लिए कोई चीज खरीद कर लाए? मेरे दिमाग में तो ये बात आई नहीं। अब बता दो तुम्हें क्या चाहिए? रहने दो, पूछकर कोई चीज लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बताना। नहीं। बताना यार। नहीं। अबे तू बताती कि नहीं? बताती हूँ, बताती हूँ। वो जो पांव की उंगलियों में पहनते हैं ना, उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। नुपुर कहते हैं उसे, वो ले आना। हुजूर, कुछ और झंडे बनाने बाकी रह गए हैं, उनमें क्या लिखवा दूं? लिख दो, औरत संसार के लिए वरदान है, औरत पूजा के योग्य है, औरत जगत जननी है। अरे अरे हो सको, हमारे नेता
कामेश्वरी बाई और तिवारी जी का मर्डर किया है। तू नहीं बोल, झूठ है, नहीं ये सच है, सच। तू नहीं उनका मर्डर किया है, बोल। ये धंधा मैं पहले ही छोड़ दिया है, वरना मैं तेरा भी मर्डर कर देता और कामेश्वर का मर्डर 8-10 महीने पहले हो गया होता। उसे मारने के लिए मैंने नेगू से सुपारी भी ली थी जो मैंने वापस कर दी। कौन नेगू? जयकाल। जयकाल? जयकाल जैसे शरीफ आदमी बिल्जाम लगाते हैं तो ठहरो। मुझे तो पहले से ही शक था कि यह खून जयकाल ने करवाए और अब यकीन हो गया है, मगर सिर्फ तुम्हारी गवाही पर उसे सजा नहीं दिलवाई जा सकती। मुझे उसके खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने होंगे और तब तक के लिए तुम खामोश रहोगे। छोड़ दो इसे। किसने ली जमानत? खुद इंस्पेक्टर अरुण यादव ने। यादव? इसका मतलब यह हुआ कि उसे आपके खिलाफ जो कुछ बकना था वो सब बक चुका है और इंस्पेक्टर यादव उसी के बल पर आपको गिरफ्तार करने का ख्वाब भी देखने लगा है। मुझे गिरफ्तार करने से पहले उसे उस लोहार की लाश का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। सरकार, मुझे हुक्म दीजिए, मैं उसे बीच चौराहे पर उड़ा देता हूं। उड़ेगा तो जरूर, कैसे और कहां ये उसका नसीब। अच्छा सुनो, उनसे कहना इसमें जितना भी है पूरा खा ले, कुछ भी ना छोड़े। फिकर नॉट दीदी, मैं उसे अपने सामने खिलाऊंगा। और सुन सुन सुन, उनसे कहना आते वक्त इसमें चमेली के फूल भर कर लाए, आज मंदिर जाना है। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? आज हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह, तब तो आज रात गर्मा गर्म पकवान भी खाने को मिलेगा। भाग्या से खुशबू आ रही है, मजा आएगा खाने में। मौका देखते ही उसका टिफिन इस टिफिन से बदल देना। करेक्ट। हाँ, लेकिन बदलने से पहले देख तो ले इसमें है क्या। अरे बेवकूफ, इसमें मौत बंद। अरे क्या हुआ? दीपक की मौत, जैसे ही वो इस डब्बे को खोलेगा अंदर रखा हुआ बम फट जाएगा। यही अच्छा मौका है, ये ले। ना तू जमी के लिए है ना आसमान के लिए। उस्ताद, दीदी ने कहा है इसमें चमेली के फूल भर के ले आना, आज मंदिर जाना है ना। अभी काम धाम छोड़ो और हाथ मुंह धोकर खाने पे टूट पड़ो। खाने को कहां दिल चाहेगा, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। बड़े अरमान से पहली बार तो उसने कुछ मांगा है मुझसे, लेकिन लगता है उसके लिए भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। भाई साहब, जरा जल्दी से पहिए पे हाल चढ़ा दोगे? जिस तरह रोते हुए ये कह रहा, लगता है उधारी में काम कराना चाह रहा है। अभी फुर्सत नहीं है, बाद में आना। भाई कर दो, बहुत अर्जेंट है, मैं 100 रुपया दूंगा। 100 रुपया? तू मुंह क्या देख रहा है, चल भाग, चाय लेकर। ये खाना खाने का टाइम है या चाय पीने का? ज्यादा बहस मत कर, टिप्पणी आ रहा है, भाग यहां से, चल भाग। 100 रुपया दे दो और 1 घंटे के बाद वापस आना, काम तुम्हें रेडी मिलेगा, चल भागो। चाय फर्स्ट क्लास कड़क है ना? तुम्हारे उस्ताद का टेस्ट मुझे मालूम है। चीकू को भेजा चाय लाने, पता नहीं कहां मर गया, भूख भी लग रही है। काम बाद में करते, पहले खाना खा लेते। अरे वाह, मुझे चाय लेने भेज दिया और तुम यहाँ खाना खाने जा रहे हो। अरे तुझे देर हो रही थी इसलिए, ला पहले चाय पी लेते। ये लो। एक बात है चीकू, लेकिन तू बहुत छोटा है, पता नहीं तुझसे कैसे बोलना चाहिए। बिल्कुल सीधा बोल दो, बाद में मैं तुम्हें आइडिया दूंगा। समझ लो मैंने तुझे 100 रुपए दे दिए और तू नूपर, नूपर समझता है? हाँ समझता हूँ। नूपर लेकर ज्योति के पास चला गया। बिल्कुल बकवास आइडिया, उन्होंने मांगा तुमसे और मैं जाकर दूं, ये अच्छा लगेगा क्या? तो एक काम करते हैं, शाम को चमेली के फूलों के साथ उसे भी डब्बे में रख देते हैं, मैं उसे बताऊंगा नहीं, जब वो खुद डब्बा खोलेगी तो खुश हो जाएगी। ये आइडिया थोड़ा ठीक है, पर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ
वहां तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। तू क्या सोच रहा है? अरे हाँ, एक और आइडिया आया। रात में जब इस बार सही पकड़ा तुमने, रात में जब मेरा बेटा विजय भी सो जाए और मैं धीरे से उठकर उसकी खाट के पास जाऊं, जाकर उसके पांव के पास बैठ जाऊंगा, बैठकर जो नूपुर में ले जाऊंगा, उन्हें चुपके से उसके पांव की उंगलियों में डाल दूंगा। अगर दीदी उठ गई तो? उठने दो, फिर उसकी उंगलियों को चूम लूंगा। बाप रे! अबे चुप! फिर वो खुश होकर बिस्तर से उठ जाएगी, उठकर मुझे गले लगाकर चूम लेगी, तो कैसा लगेगा? एकदम डिस्को, ये सुपर आइडिया है। मानता ना मेरी खोपड़ी को, मोहब्बत करने से आइडिया अपने आप चले आते हैं। देखो पांच बज गए हैं, अभी तुम्हारे डैडी आते होंगे, फिर हम मंदिर जाएंगे, फिर तुम, मैं और डैडी स्टूडियो में फोटो खिंचाएंगे। नहीं बेटा रोना नहीं। क्या प्लान बना रही हो? तुम्हारी उम्र 100 साल लंबी है, मैं अभी अभी इसे तुम्हारी बातें कर रही थी। ये रो क्यों रहा है? लाओ इसे मुझे दो, और इसे पकड़ लो, पकड़ लो इसे। ओ अरे ये तो भारी लग रहा है, इसमें चमेली के फूल भर कर लाए हो क्या? अरे इसे खोला मत, खोला मत, खोलोगी तो नाराज हो जाओगी। तुमने जो खाना भेजा था वो मैं वैसे का वैसे वापस ले आया। क्यों खाया? क्यों नहीं? 15-20 कप चाय पी ली तो भूखी मर गई, इसे मैं बाद में खा लूंगा। तुम कहाँ जा रही हो? इसमें खाना पड़े पड़े खराब हो जाएगा, इसे मैं दूसरे बर्तन में डालकर। बेटे आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुझे जो मांगना है मांग ले। तुझे भाई चाहिए या बहन चाहिए? मैं आज ही रात उसका इंतजाम कर डालूंगा, लेकिन तू ऐसा रोता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। अरे इसने तो कर डाला। अरे ज्योति आई, क्या बात है? तुम्हारे बेटे ने पेशाब कर दिया। अरे रे रे, लाओ लाओ मैं बदल देती। अरे यार आज पता नहीं क्या बात है, रोता ही जा रहा है। मैंने भी इससे पूछा आज तू रो क्यों रहा है, तो बोला मुझे एक भाई चाहिए। अब तुम ही बताओ मैं इसे अकेला भाई कैसे दे सकता हूँ जब तक तुम मेरी मदद नहीं करो। बस घूम फिर के वहीं आ गए। आज तो आना ही है, आज हमारी सुहागरात की सालगिरह जो है। मंदिर नहीं जाना है क्या? जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, देखो तो कैसे लग रहे हो। मेरा मुंह जैसा भी लगे मुझे परवाह नहीं, मंदिर जाते समय दिल साफ होना चाहिए, ये बात भी तुम्हीं ने मुझे सिखाई है। अरे उस्ताद मैं रेडी होकर आधे घंटे से खड़ा हूँ, आप लोगों ने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। अरे ये कुछ करने दे तब ना, लगता है क्लासिकल संगीत का मास्टर बनेगा। पहले तो ऐसे कभी नहीं रोया, पता नहीं आज क्या हो गया इसे। इसीलिए गांव में बूढ़े कहते हैं कि भले ही शादी पहले हो जाए मगर बच्चा लेट पैदा करना चाहिए। उन्हीं की बात सुनकर तो तेरे बाप ने तुझे लेट पैदा किया, और तेरे जवान होने से पहले ही लेट गए, साला भाषण देता। दीदी मैं विजय को गोद में ले लूं? हाँ। अरे रे रे रे, मैं तो इसकी दूध की बोतल लाना ही भूल गई, जरा चाबी दो। तुम इसे जरा पकड़ो, मैं अभी आई। अरे छोड़ो बेटे, मैं अभी आई, छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो। अरे रे रे बेटे, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, बस अभी तुम्हारी दूध की बोतल लेकर आई। ना मेरे आने तक रोना नहीं। अरे चुप हो जा मेरे बाप, जल्दी से आ जाना, तुम्हारे बिना ना मैं रह सकता ना तुम्हारा बेटा रह सकता है। आज शादी की सालगिरह है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज मेरे लिए कुछ भी ना लाए हो। इसमें जरूर कोई ना कोई चीज है जिससे आज रात को मुझे चौंकाएंगे। अरे चुप हो जा, तू तो खुश नसीब है, तू दूध के लिए रो रहा है, तेरी उम्र में मैं माँ के लिए रोया करता था।
देखिए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे कुछ नेता जनता को सिर्फ चुनाव के समय ही याद करते हैं, लेकिन मेरे लिए जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। इसीलिए मैं जनता की सेवा में दिन रात लगा रहता हूं, जनता के दुख दर्द को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। देश को अभी बहुत खतरा है, हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, कुछ करना होगा। कोई रोको इस खतरे को, आप लोग चुपचाप बैठे क्या देख रहे हो? ये गुंडा हमारी तरफ बढ़ रहा है, रोको इसको। Mm-hmm.
वादा करो मुझसे, गुस्से में आकर कभी कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। तुम्हारी कसम, मैं वादा करता हूँ। Ah!